अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आपको पता ही है अहमद सारा की बर्थडे है, तो आज ये सारा का केक बनाया है मैंने, ब्लैक फॉरेस्ट केक। और मैं आपको आज बताऊंगी कि ये केक किस तरह बनेगा। ये हैप्पी बर्थडे का इसमें लगा के ये सारा का केक हमने तैयार किया है, तो आइए हम मिलके ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं। तो चलें अब हम अपना ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है ये बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 7 एग व्हाइट्स चाहिए और 6 एग योक्स चाहिए, ठीक है ना। 7 एग व्हाइट्स एंड 6 एग योक्स ये मैंने अलग सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है ना। योक्स अलग कर लिए और ये 7 एग व्हाइट्स जो है ये मैंने अलग कर लिए। अब हमें पहले जो है ये जो एग वाइट्स हैं इनको अच्छा सा बीट करना है, इतना कि ये बिल्कुल स्टिफ हो जाए, ठीक है ना। ये देखें, इसको मैंने अच्छा सा व्हिप कर लिया है। ये इसकी निशानी है होती है, ये इट्स नॉट कमिंग डाउन, ठीक है ना। बिल्कुल स्टिफ आपने एग वाइट्स जो हैं ये आपने बीट कर लिया, ओके। अब इसके अंदर ये आप ग्रेजुअली जो है एग योक्स डालें, एक साथ सारे डालें। इसमें मैंने सारे एग योक्स भी डाल दिए ग्रेजुअली। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और 5 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, ये जितनी भी मेजरमेंट्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, सो दैट यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। बस ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद जो है ये जो इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अलग मिक्स करके वो भी इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें जो हो गई थी, अब हमारा वी आर डन विद द इलेक्ट्रिक मिक्सर। अब बाकी सारा काम हमें अपना जो है वो हाथ से करना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली, ठीक है ना। इसके अंदर 1 कप मैदा है, ये फ्लोर हो गया, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वन एंड अ हाफ टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, एंड 3/4 कप ऑफ कोको पाउडर। ये हमें सेपरेट जो है सब चीज़ें मिक्स करके और फिर ग्रेजुअली अपने ये वेट जो इंग्रेडिएंट्स है ना इनमें डालना होगा। और इसके साथ ही इसके अंदर हम 1 कप, ये बिल्कुल बारीक शुगर है। अगर आपके पास इस तरह की शुगर नहीं है, घर की रेगुलर शुगर है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा पहले ग्राइंड कर लें, सो दैट इट बिकम्स लाइक दिस। बस अब सिंपली आपने जो है इनको सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, इनको भी एक स्पैचुला से सबको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर सिंपली इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आप इसको डालते जाएं, अनलेस यू गेट अ बैटर फॉर योर केक, ओके। एक साथ नहीं डालेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लें। इस तरह करके हल्के हाथ से आप इसमें बैटर के अंदर रख लें, एग्स का जो बनाया आपने उसके अंदर ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएं। ये देखें कितना अच्छा हमारा शाइनी और फ्लफी एग बैटर बनाए, इट्स नॉट स्टिकिंग टू द पॉट। ये देखा आपने, आप जितना अच्छा एग्स बीट करेंगे उतना अच्छा आपका बैटर बनेगा, उतना अच्छा केक बनेगा, ओके। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपका केक मोल्ड है इसके अंदर ये इसको मैंने साइडों को बटर से ग्रीस किया है और नीचे ये बटर पेपर जो है काट के लगा दिया है ताकि हमारा केक बाद में इसमें चिपके नहीं।
and simply just pour the batter in it now. और जितनी देर मैं ये काम कर रही थी तो मैंने अपना ओवन जो है उसको ऑन कर दिया था. 180 डिग्रीज पे प्री हीट करेंगे आप ओवन को और इसको रख देंगे उसके अंदर फॉर वही वाली बात है 30 टू 40 मिनट्स के बीच में ये बन जाता है डिपेंडिंग ऑन योर ओवन. ओके 30 मिनट्स के बाद आप इसको स्क्यूअर से या टूथपिक से प्रिक करके देख लें. If it comes out dry, or cake is ready, take it out then. तो बस अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ और उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जब ये रेडी होगा तो आई शो यू हाउ इट लुक्स. ये देखिए मैंने इसको आफ्टर 30 मिनट्स निकाल लिया है. ये फर्स्ट क्लास किस्म का हमारा केक रेडी है. स्पंज अब इसको मैं थोड़ी देर बाहर रैक पे रख के और फिर फ्रिज में रख दूंगी. देन वील टेक इट आउट टुमारो और इसकी अच्छी सी फ्रॉस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह. ओके अच्छा अब हमने ये जो केक कल सारा ने ब्लैक फॉरेस्ट केक का जो फरमाइश की थी उसका हमने स्पंज कल बना लिया था. आज हम इसकी असेंबलिंग करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले ना हमें क्लीन वर्क करनी होगी. कराची में तो फुल फ्लैज किस्म की गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इसलिए ना मैंने ये आइस रख ली है एहतियातन और उसके ऊपर जो है ना क्योंकि ये जब तक ठंडी नहीं होगी ना क्रीम तो फिर ये विप नहीं होती है. तो इसको मैंने वैसे भी सब चीज़ों को फ्रिज में रखा हुआ था और नीचे आइस रख के अब हम सबसे पहले इसके लिए क्रीम विप कर लेते हैं ना. तो उसके बाद आप ये 200 ml क्रीम है ठीक है ना. आप अपने केक के हिसाब से इसको लेंगे कि जितना आपको ज़रूरत है. और उसके बाद आप इसमें ना ग्रेजुअली शुगर ऐड करेंगे. पहले थोड़ी शुगर फिर इसको आप विप करेंगे. थोड़ी देर विप करके मैं फिर 2 teaspoons और डालूंगी और दोबारा विप करूंगी. तो ये मैं विप करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ डज इट लुक. ये क्रीम अच्छी सी विप हो गई है. ये देखें अब ये गिर बिल्कुल नहीं रही है. स्टिफ पीक्स इसके अंदर बन रही है. ये हमारी रेडी हो गई. अब हम इसको केक को इस मोल्ड में से निकालते हैं. आपको याद होगा इसके अंदर हमने बटर पेपर लगाया था सो दैट इट कम्स ऑफ इजीली. बटर पेपर हम निकाल लें इसके ऊपर से. ये नीचे से थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लें आप ठीक है ना. और इसको हमें बीच में से डिवाइड करना है. अब इसके लिए ना ये सेरेटेड नाइफ होता है इससे आप इसको डिवाइड कर लेंगे ठीक है ना. मैं ये कट करके और फिर मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए इस तरह ये दो में डिवाइड कर लिया मैंने. अब इसके बाद ये वाली जो इसकी लेयर है इसके ऊपर आपने ये दूध जो है मैंने इसमें ना थोड़ा सा शुगर मिलाया है दूध में. आप चाहें तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो होता है ना जैसे थोड़ा सा एक चम्मच वो मिला दें और इससे ना ये बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से हो जाएगा. कि ये आपने दोनों साइड्स पे इस साइड पे भी और इस पे भी ये दूध डाल देना है. इसको पहले कर लेते हैं. अच्छा इसके बाद इसके ऊपर आपने जो ये क्रीम विप की थी ये आपने खूब जेनरसली इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है. ये आपकी अपनी मर्जी है जितनी चाहें आप लगाएं ठीक है ना. अच्छी लगती है बीच में खूब सारी क्रीम. ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है इसके अंदर बीच में
पाइन एप्पल्स डाले होते हैं। अच्छा फ्रूट कॉकटेल जो आता है ना टिंड, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ जो है ये पाइन एप्पल डालूंगी। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप अगर चाहते हैं, आपको पसंद है मिक्स फ्रूट्स तो आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं। जब आप कट करेंगे तो ये आपके बीच में पाइन एप्पल के चंक्स आएंगे, प्लस वो जो आपका स्लाइस है उसमें ये नज़र भी आएंगे, तो इंतहाई खूबसूरत लगेगा ये केक। और इसके बाद इसमें भी ना इसी तरीके से पूरा ये दूध डाल के इसको इसके ऊपर रखना है हमें। ठीक है ना, तो ये मैं इस पर करके आपको बताती हूँ। अच्छा ये ऊपर जो है ना जहाँ से हमने इसको फ्लैट किया था उधर भी ज़रा सा आप ये दूध डाल दें। ठीक है, ये दोनों को स्टैक कर दिया हमने। और इसको आप दबा दें यूं करके। इसके बाद इसके ऊपर भी आप ये क्रीम लगा दें। हमारे घर बच्चों की ना लाइन से बर्थडे होती है, ये मार्च में इनकी है दोनों की, अगले महीने इंशाल्लाह बॉबी की भी है, मरियम की भी है, तो ये ना पूरा हमारा सीजन जो है बर्थडे सीजन। कोई बहुत ज़्यादा आप इसको वो करने की परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही प्रोफेशनली नहीं हो रहा, मुझे भी कोई प्रोफेशनली कोई बहुत वो नहीं करना आता, लेकिन घर का केक तो बन गया ना आराम से। यूं करके आप पूरे में क्रीम लगा दें, मैं इसके ऊपर सब पे क्रीम लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर ये चॉकलेट सॉस आप किसी भी डिज़ाइन में यूं करके डाल दें। साइडों में डाल दें, वही वाली बात है, ये इस पे से खुद ही जब ये ड्रिजल करके गिरेगा ना तो ये खुद ही इफेक्ट देगा। इसके ऊपर आप ये थोड़ी सी चॉकलेट स्प्रिंकल कर दें। अच्छा इसी तरह से ये जो क्रीम बच गई थी ये आप आइसिंग ये पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह के, आपकी मर्जी है आप कोई भी डिजाइन इसके ऊपर बना लें। ठीक है, ऊपर आप ये चेरीज लगा दें। बीच में भी एक हिस्से बना लेते हैं। इस तरह से आप सब पे ये लगा लें और ये आपका केक रेडी हो गया है। ठीक है ना, ये जो क्रीम के केक्स होते हैं ना इनको फिर आपने फ्रिज में रखना है, वरना ये आजकल जिस तरह का मौसम है इन्होंने ख़राब हो जाना होता है। ठीक है ना, सो आई होप आपको ये केक भी अच्छा लगा होगा। बताइएगा अहमद का केक ज़्यादा बेहतर था या सारा का, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।